मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की बड़ी घोषणा, ओलंपिक में गोल्ड लाओ 2 करोड़ पाओ। सीएम ने दीपिका, कोमोलिका, अंकिता, निक्की और सलीमा से वर्चुअल माध्यम से बात की। नमस्कार, आजाद सिपाही में आपका स्वागत है, मैं हूं सूरज कुमार। सीएम हेमंत सोरेन ने कहा है कि राज्य के खिलाड़ियों को विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। झारखंड प्रदेश के खिलाड़ियों ने पूरे विश्व में अपनी प्रतिभा का परचम लहराया है। राज्य के होनहार खिलाड़ियों के मेडल जीतने पर खिलाड़ियों को प्रोत्साहित राशि देने का प्रावधान किया गया है। यहां के खिलाड़ियों की रफ्तार को गति देने के लिए सरकार निरंतर प्रयासरत है। मुख्यमंत्री शनिवार को कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवासीय कार्यालय से तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी, कोमालिका बारी, अंकिता भगत, कोच पूर्णिमा महतो और हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान, सलीमा टेटे को वर्चुअल माध्यम से संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों को 2 करोड़, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 1 करोड़ और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 75 लाख रुपए का इनाम राशि दिए जाने की घोषणा की है। कहा कि तीरंदाज खिलाड़ी दीपिका कुमारी को 50 लाख, कोमालिका बारी और अंकिता भगत को 20-20 लाख रुपए इनाम राशि दी जाएगी। कोच पूर्णिमा महतो को 12 लाख रुपए दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के खिलाड़ियों को ओलंपिक प्रतिभागी बनने पर ही 5 लाख रुपए की प्रोत्साहन राशि सरकार द्वारा दी जा रही है। आगामी 23 जुलाई से टोक्यो में प्रारंभ हो रहे ओलंपिक में भारतीय हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करने के लिए झारखंड से चुनी गई हॉकी खिलाड़ी निक्की प्रधान और सलीमा टेटे को भी 5-5 लाख रुपए प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश से बाहर खेलने वाले सभी खिलाड़ियों को और कोच का 15 लाख रुपए का बीमा कराया जाएगा, जिसका प्रीमियम सरकार भरेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि झारखंड के खिलाड़ी सीमित संसाधनों के बीच मेहनत के बल पर इस मुकाम तक पहुंचे हैं। मुख्यमंत्री ने इन खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया, कहा कि पूरा विश्वास है कि आगे भी प्रतिभा का लोहा मनवाते हुए बेहतर प्रदर्शन करेंगे।